काम करते हुए थक जाने पे बैठना तो कॉमन सी बात है, और फ़ोन लेके बैठ जाना आजकल की ज़माने की सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसी चक्कर में टाइम कितना बीत जाता है पता भी नहीं चलता। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ ऐसे ही कुछ ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप भी अपना दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए। चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हुए वीडियो को डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। टाइम देखिए सबके पास सेम रहता है, हम लोग उसको यूज़ करने का तरीका चेंज कर सकते हैं। मैं अपना सुबह शुरू करती हूँ कुछ इस तरह। जैसे विंटर का सीज़न है, बाहर जाने में ठंड तो हम सबको ही लगते हैं। मैं क्या करती हूँ, जितने सारे मेरे विंडो का कर्टन्स है और बालकनी का विंडो है, सारे का जो पर्दा है उसको हटा देती हूँ। और सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए मैं एक कप में पानी गर्म कर लेती हूँ। उतना 30 सेकेंड के आसपास ही गर्म करके वो पानी पीने बैठ जाती हूँ। ये मेरा अपने खुद का टाइम है। इस टाइम पे मैं अपना पूरा डे को अच्छे से प्लान कर लेती हूँ, अपने आप के साथ थोड़ा टाइम बिता लेती हूँ और अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लेती हूँ फुल डे के लिए। हम सबको अपने लिए मॉर्निंग का ये 5-10 मिनट ज़रूर रखना चाहिए। अपना मॉर्निंग मैं एंजॉय कर ही रही थी और मेरा बेटा भी जग गया, तो भी रूम से बाहर आ गया। मैं कोशिश करती हूँ कि उसको भी इस टाइम पे थोड़ा सा रूम से बाहर बैठाने की। ठंडा है और बच्चा दोनों है, तो मैं कोशिश करती हूँ इसको थोड़ा सा गर्म रखने की। इसीलिए इसको ओढ़ के अब मैं चली गई इसके लिए दूध लाने। हम सबका रूटीन अलग होता है, सोच भी अलग होता है। मैं सोचती हूँ ये मॉर्निंग टाइम पे मेरे अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है, इसीलिए इस टाइम पे मैं जितना हो सके काम कर लेती हूँ एक साथ में। यहाँ पे मेरा जो बच्चे का टिफ़िन है वो मैं बना रही हूँ, और उसके साथ ही मैं उसको दूध दे दिया हूँ पीने के लिए। ऐसे मैं सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता है। मैं क्या करती हूँ, काम को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए कुछ भी मैं करती हूँ, जैसे रोटी बनाई और तुरंत मैंने जो ऊपर का एरिया है उसको साफ़ भी कर दिया। ऐसे क्या होगा कि आपका एक साथ दो काम भी हो जाएगा और आपका किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं दिखेगा। सुबह का टाइम इसलिए प्रोडक्टिव होता है क्योंकि मॉर्निंग पे आपके अंदर भी एनर्जी सबसे ज़्यादा रहते हैं। और बच्चों को टिफ़िन में फ्रूट्स देना तो ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ एप्पल के ऊपर बहुत ज़्यादा वैक्स आती है, इसलिए एप्पल का जो ऊपर का पार्ट है उसको मैं पील ऑफ कर देती हूँ। बच्चे का टिफ़िन रेडी करके लंच का प्रिपरेशन मैं शुरू कर देती हूँ, और तब तक मेरा बेटा का भी दूध फिनिश हो गया। जैसे मैंने बताई थी, मैं कोई भी काम को छोड़ती नहीं हूँ। मैं कट करने के बाद सारे जो वेस्टेज है उसको साथ ही साथ में वेस्ट बॉक्स में भी डाल देती हूँ। ऐसे होगा कि किचन के काम आपको बहुत जल्दी हो जाएगा और आपका टाइम भी बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा। अभी मैं अपने बेटे को भेजती हूँ नहाने के लिए, तब तक मैं लंच की प्रिपरेशन थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। एक्चुअल में मैं अपने टाइम को थोड़ा दो काम करने में यूज़ करती हूँ। जब तक वो नहाएगा तब तक मैं सब्ज़ी को चढ़ा दूँगी, और उसके बाद मैं उसको रेडी करने लगूँगी और सब्ज़ी भी अपने आप होता रहेगा। सुबह के टाइम बहुत देख के यूज़ करना पड़ता है, ताकि मेरा दिन भी बहुत अच्छी तरह से बीत जाए। मैं एक साथ दो काम कर ले रही थी कि मेरा बेटे का बस का टाइमिंग भी ना छूटे और मेरा काम भी हो जाए। ऐसे करते हुए बस का टाइम जब हो गया, तब मैंने क्या किया, पहले उसको सॉक्स पहनाई और दौड़ के आके गैस बंद कर दिया। जितना भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, बंद रहेगा, आने के बाद मैं बाकी सारे काम कंप्लीट कर दूँगी। विंटर सीजन में एक काम में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, वो है घर का क्लीनिंग में। झाड़ू पोछा ये सब तो आपको करना ही पड़ता है, लेकिन विंटर में मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लेती हूँ।
जिस दिन झाड़ू पोछा करती हूँ उस दिन डस्टिंग में नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ पूजा वाले एरिया को तो हर रोज़ साफ करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना टाइम मैनेजमेंट का जो शेड्यूल है उसमें सेग्रीगेशन ज़रूर रखिए। सब काम हर रोज़ करना विंटर सीजन में थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए जिस दिन झाड़ू पोछा वाला काम करेंगे उस दिन डस्टिंग वाला काम बिल्कुल नहीं करना। मील प्रेप के बारे में आप सब लोग सुने ही होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग्स हो जाता है। जब तक मेरा लंच बन रहा था तब तक मैं मील प्रेप कर लिया, जो चीज़ खाली हो गए थे उसको डाल लिया, ओट्स को फ्राई करके रख दिया कि जब ज़रूरत हो बस उसको थोड़ा सा चला लूँ और मेरा काम आसान हो जाए। दाल फ्राई करना था वो भी करके रख दिया। ये सारे जो प्रिपरेशन है ये सब आपको अपने जब जल्दबाजी वाला टाइम होगा उसमें काम आता है। अब मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा टाइम रूटीन। सबके पास टाइम देखिए सेम रहता है, हम लोग उसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं और सोचते रहते हैं कि पूरा दिन बीत गया मेरा कुछ काम नहीं बना, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर टाइम ये सोचते हैं कि ये काम मुझे करना है और ये काम मैं करूँगी, लेकिन अल्टीमेट जब करने का टाइम होता है हम लोग आलस पड़ जाते हैं। इसीलिए अपनी डे को ऐसे अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके लिए भी पूरा दिन का प्लान करना बहुत आसान होगा। हम लोगों के लिए शायद टाइम टू टाइम मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अगर आप 4-5 घंटे का ब्रेक लेके ऐसे कुछ बना लेंगे तो आपका दिन भी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगा। शाम के टाइम ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे पढ़ने के बाद लिविंग रूम पे ही सारे चीज़ छोड़ देता है और उसको उठाने के चक्कर में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आप सबके साथ ये थोड़ा सा हैक शेयर कर रही हूँ, इससे आपका टाइम एंड एनर्जी दोनों ही सेव होगा। एक कवर के अंदर, पिलो कवर के अंदर बस आप उसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से पैक करके पीछे के साइड में रख दीजिए। आपका बुक्स भी दिखेगा नहीं और लिविंग रूम में बहुत अच्छा दिखेगा। विंटर सीजन में एक और बड़ा प्रॉब्लम है बहुत सारे कपड़ा और उतने सारे कपड़े को वॉश भी करना और सुखाना भी एक बड़ा सा प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जितना भी कपड़ा होता है मैं एक स्टोरेज बॉक्स के अंदर ऐसे डाल के रख देती हूँ। हफ्ते में 2 दिन मेरा है वॉशिंग डे, कभी कभी 3 दिन भी हो जाता है। उस दिन सारे चीज़ों को शाम के टाइम मैं धुल लेती हूँ। उसमें मेरा 2 काम हो जाता है, शाम के टाइम लंच डिनर बनाते हुए मैं कर देती हूँ। मेरा ये ऑटोमेटिक नहीं है इसीलिए मैं डिनर बनाते हुए वॉश भी करती हूँ और डिनर भी बना लेती हूँ। कपड़ा अगर आप साथ साथ उसको फोल्ड ना करें तो ये बहुत बड़ा सा झंझट। मैं यहाँ पे करती हूँ, जब मैं कपड़ा उठाती हूँ तभी सारे कपड़ों को ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ। इससे मेरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। कपड़े वो फोल्ड करने का जो टाइम है उस टाइम में मैं कुछ दूसरा काम कर लेती हूँ। विंटर का ये जो टाइम है ये सबसे ज़्यादा मुझे बोरिंग लगता है, इसीलिए फ़ोन देखने के टाइम मैं इसी टाइम को रखती हूँ। आप भी अपना फ़ोन देखने का जो टाइम है इस टाइम पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा आपका टाइम भी बीत जाएगा और आपके टाइम की कमी भी नहीं होगी। आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ दीप से। होप करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत आइडिया कुछ मिल गया होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।